तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह के प्लास्टिक बैग, या फिर आप इस तरह के पॉट में या फिर टैंक में भी बना सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कंपोस्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किचन वेस्ट, लीव्स की, ग्रास की, और कुछ ड्राई लीव्स जो कि पेड़ के नीचे गिरे होते हैं। वो प्लांट्स के लीव्स दोस्तों आप आपके गमले से कलेक्ट कर सकते हो और किचन वेस्ट भी कलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल स्टेप है दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नीचे डालना है ग्रीन लीव्स। आप प्लांट्स के कटिंग के बाद लीव्स कलेक्ट करके उसको इसमें नीचे डाल सकते हो, या फिर ग्रीन ग्रास भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद डालना है ये ग्रास, दोस्तों। ग्रास आपको किसी भी नियर वाले गार्डन से, उस माली से आप ले सकते हो। और फिर उसके बाद आपको डालना है ड्राई लीव्स। दोस्तों, आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है, पहले ग्रीन लीव्स, फिर ब्राउन कलर का ड्राई लीव्स या फिर ग्रास, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन लीव्स और फिर से ड्राई लीव्स। ग्रीन ब्राउन का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, जिससे कि डिकम्पोज होने में उसका टाइम कम लगेगा और अच्छे से वो डिकम्पोज होके न्यूट्रिएंट्स भी बहुत देगा। किचन वेस्ट लीव्स वगैरह डालने के बाद आपको ऊपर से गार्डन सॉइल भी डालना है। जो हमारी गार्डन की सॉइल होती है दोस्तों, उसमें माइक्रो बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन में बहुत ही अच्छे से वो प्रोसेस होता है। सॉइल डालने के बाद आपको किचन वेस्ट डालना है, तो ध्यान रखना इसमें प्लास्टिक वगैरह ना हो। और फिर दोस्तों, आपको कर्ड लेना है दही, और इसको ऊपर से डालना है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है और बैक्टीरिया होता है, जो डिकम्पोज होने में अच्छे से मदद करता है। आप इसमें कार्डबोर्ड के पीसेस भी डाल सकते हो, और फिर से आपको ऊपर से सॉइल डालना है। सॉइल डालने के बाद आपको हल्का सा पानी देना है ऊपर से, जिससे कि हमने दही डाला है उसके बैक्टीरिया नीचे तक चले जाए। दोस्तों, आप देख सकते हो कि कैसे मैंने लेयर बनाया है। और फिर दोस्तों, आपको इस बैग को या फिर आपके पॉट को ढक के बांध के इसको किसी भी एक कोने में रखना है। तो जैसे मैंने बताया वैसे आप करोगे तो इससे स्मेल नहीं आएगा। बैग को बांधने के बाद आपको इसको नीचे से ड्रेनेज होल बना देने हैं, जिससे कि एयर भी अच्छे से अंदर जाएगी और ड्रेनेज जो पानी है हमने डाला है वो नीचे से निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।